जय भोलेनाथ दोस्तों। 9:47 PM और आज मंडे है, और इसके पहले वाले वीडियो में मैं भूल से संडे बोल दिया था, जो महावीर जयंती के लिए आपको बना के दिया, और बहुत आप लोगों ने पसंद किया, अच्छा लगा। 9:48 PM और आज मंडे है, 6 तारीख, और कल मार्केट खुलेगा। और ये वीक जो है ये सिर्फ 3 दिन का वीक है, ये फ्राइडे को भी छुट्टी है, गुड फ्राइडे की। तो सिर्फ 3 दिन का बहुत छोटा वीक है, कटेल्ड वीक बोलते हैं इसको। कटेल्ड मतलब कटा हुआ वीक, इसका फर्स्ट डे भी कटा हुआ है और लास्ट डे भी कटा हुआ है। तो 3 दिन में बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी, ये तो मैं कंफर्म हूँ। अब आ जाइए कि फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ। फ्राइडे वाले दिन मैंने पहली बार ऐसा हुआ कि आपको 2:30 बजे ही वीडियो बना दिया था, उसमें भी मैंने 10 अप्रैल लिखा, जबकि 9 अप्रैल को ही ये वीक खत्म हो जाएगी। पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। Do you want to learn to draw professional and impressive artwork from scratch that will blow people's minds? जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 2:35 एंड यानी कि 2:35 में मैंने बना दिया था ये वीडियो कि भैया फ्राइडे तक मेरा ये टारगेट है। इसमें क्या बोल रहा हूँ वो सुन लेते हैं। सीधा रिस्क ले सकते हो अगर आप 9 तारीख वाला कॉल बाई करते हो, ये करंट रेट्स के हिसाब से। तो बस ये मेरा अभी आखिरी वीडियो, जब तक ये टारगेट्स नहीं आते मैं नहीं बनाने वाला। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। इसको सेव कर लेता हूँ मैं इमेज को, ताकि आप भी देख लीजिए। मुझे तो 100 में से 90% कन्फर्म है, लेकिन ये मार्केट अभी क्या। मैंने उसी समय 2:36 पर ये वीडियो में बोल दिया कि आप लोग इस समय बैंक निफ्टी खरीद लो। उस समय फ्यूचर्स चल रहा था 17,142, और उसका टारगेट मैंने दिया टिल फ्राइडे, लेकिन फ्राइडे भी छुट्टी है, यानी कि 3 ही दिन मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने निफ्टी का बोला कि अगर निफ्टी का टारगेट नहीं आता है तो मैं नहीं बनाऊँगा उसके बाद भी। और ये भी बोल दिया था आपको इस वीडियो में कि मैं आज के बाद आपको वो जो दिन भर जो ये रिलायंस खरीद लीजिए वो सब तो देने वाला भी नहीं हूँ, इनके भी अब देने वाला नहीं हूँ, इनके भी खाली एक लंबा टारगेट दे दूँगा या लंबा स्टॉप लॉस। और दूसरा, उस पर्टिकुलर फ्राइडे को 8,083 बंद हुआ, जबकि मैंने उस समय जब 2:30 बजे दिया तब 8,052 का फ्यूचर्स चल रहा था। आप देख सकते हो 2:35 पे ये वीडियो बना था। और मुझे आश्चर्य होता है कि एक दिन में रॉन्ग हो गया था, 7 दिन में सॉलिड चल रहा था, आप लोग को एक से एक एक्सक्लूसिव चीज़ें दे रहा था, आप लोगों को शर्म नहीं आती है क्या कि आप 675 लाइक्स के अगेंस्ट 400 डिसलाइक दे रहे हो, और फिर मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं। चलिए कोई बात नहीं, मतलब एक दिन रॉन्ग हो जाने से आपको ये तकलीफ़ हो गई। अच्छा चलिए, उसके बाद मैंने फिर मेरे मन में दया आई कि भैया चलो जो भी अपने ग्राहक ये है, अपने व्यूअर्स है, तो मैंने ये कल एक वीडियो कल बनाया था या सैटरडे को बनाया होगा, सही है, देखते हैं। मिलिए मिस्टर रोहन से, इन्हें ट्रेडिंग करने 4 अप्रैल को बनाया था सैटरडे को। हमेशा जय भोलेनाथ दोस्तों, इट्स 6:06 PM एंड इट्स सैटरडे। ये ईएमए वाला वीडियो मैंने एक और बनाया था, इसमें भी मैंने समझाया था कुछ सैटरडे को कि भैया 9,400 और ऐसा कुछ रेजिस्टेंस है, वो आपको दिखाया था मैंने। उसके बाद मैंने आज मैंने सोचा महावीर जयंती का उपलक्ष है, हालांकि मेरे मुंह से आज संडे निकला इसमें, तो वो मिस्टेक जरूर हुई। अभी रविवार है, आज संडे है, संडे नहीं है, लेकिन मंडे का कैलेंडर आप महावीर जयंती का पर्व आज यहाँ मंडे। पहले जितने भी मेरे दर्शक हैं, तो दोस्तों इसमें भी मैंने समझाया कि क्यों बढ़ेगा मार्केट, ठीक है, जबकि मैंने उसी दिन 2:30 बजे दे दिया था। अब आज इसमें आप लोगों ने, आज वाले में आप लोगों ने 740 लाइक दे दिए और 80 डिसलाइक दिए, मतलब जब देखा कि ये बढ़ गया आपका SGX वगैरह, तब आपको पसंद आ गया। तो आपका प्यार तो नकली है, यानी कि आप लोग तो मतलब ही नंबर वन हो। मुझे, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ बॉस, मैं कल से कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, टारगेट आने पे भी अब वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यू पीपल डोंट डिजर्व माई वीडियो। शर्म नहीं आती कि डिसलाइक के बटन दबा रहे हो तुम? इस लेवल की स्टडी कौन देता तुमको, कौन तुमको लेवल्स बोलने की ताकत रखता है? 90% यूट्यूबर्स आपको बोलेंगे
इतना टूट गया तो इससे नीचे यहाँ आ जाएगा या इतना टूट गया तो इसके ऊपर ऐसे चला जाएगा, समझ में आया? किसी की हिम्मत तक नहीं होती ऐसी बात करने की। तो तुम लोग एक दिन अगर रॉन्ग हो जाए बंदा, उस दिन भी रॉन्ग तो नहीं हुआ, मैंने वही टारगेट को वापस रिपीट किया है। और मैंने सबको पहले भी बोला था पिछली वीक में भी कि 9 तारीख का ही कॉल लेना, तो किस्मत से इस बार वीक भी 9 तारीख को ही ख़त्म। मुझे तो ये पता भी नहीं था कि फ्राइडे को भी छुट्टी है, तो ये वीक भी 9 तारीख की है, मैंने तो 10 तारीख लिखा था सब में। एनीवे दोस्तों, दूसरा अभी टेलीग्राम बढ़िया, कितने मासूम बनते हो सर, प्लीज़ सर टेलीग्राम की लिंक दीजिए, सर टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर दीजिए। अरे भैया वो चार्जेबल है, फ्री नहीं है, दैट इज़ नॉट फ्री। और दूसरी बात, मैं हो सकता है यूट्यूब बनाऊँ ही नहीं अब, और ये मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मेरे को कोई बेनिफिट भी नहीं है आप लोग के लिए बना के, ये तो मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। तो शर्म आनी चाहिए आप लोग को कि अभी कैसे आपने इतना लाइक और इतना सा दिया। उस वीडियो में 2:30 बजे जब मैं उतनी बड़ी बात लिखने की ताकत रख रहा था, तब तो आपको एक्स्ट्रा लाइक देना चाहिए। तो जब तुमको तुम्हारा मतलब है, प्रमोद जैन तुम्हारे लिए रात दिन खटे, एक एक व्यू ऐसा इस लेवल की स्टडी डाले, और एक दिन रॉन्ग हो जाए तो तुम्हारा, जैसे तुम्हारा पैसा मैंने बर्बाद कर दिया क्या सालो, तुम लोग डिजर्व नहीं करते हो। आज मैं ओपन मंच में बोल रहा हूँ, तुम लोग डिजर्व नहीं करते हो। और टेलीग्राम सर मुझे अबे क्यों ज्वाइन कर दूँ तुझे, फोकट थोड़ी खोला मैंने, और वो भी मैंने बोला था कि ये 2 महीने तक ही चलेगा, उसके बाद कोई भी हालत में ये सर्विस रिन्यू भी नहीं होगी और ना आगे चलने वाला। जैसे कोरोना का लफड़ा ख़त्म हुआ, ट्रेनिंग बिजनेस चैट, मुझे ये सब लेन देन से कोई मतलब नहीं, और मैं तो कोशिश करूँगा। अब यूट्यूब से मेरे को शांति भी मिली है, अब यूट्यूब से मैं बंद होऊंगा तो मेरे को भी शांति मिलेगी, मैं अपने खुद के ट्रेड पे फोकस करूँगा, काय को तुम्हारी सेवा करूँ। अभी जब SGX बढ़ गया तो तुम लोग लाइक पे लाइक दबा रहे हो, हाँ क्यों भाई, उस वीडियो में मैंने क्या गलत किया था जो 2:30 बजे बनाया, तुम लोग को किस हक से तुमने डिसलाइक दबाया? उसके पहले 7 दिन आप लोग को किस लेवल के कॉल दिए थे? ढाई बजे ये बताने की हिम्मत रखता हूँ कि ये लास्ट वीडियो है। जय जिनेंद्र और जय भोलेनाथ दोस्तों, 2:35 एंड देखो इसको, मेरा अभी आखिरी वीडियो, जब तक ये टारगेट्स नहीं आते मैं नहीं माना। इतनी बड़ी बात भी बोला कि टारगेट्स आएंगे, भोलेनाथ जय। तो भाई साहब आपको तो पहले दे रहा हूँ हर चीज़ एडवांस, 2:30 बजे इसलिए दिया कि ताकि आप कॉल बाई कर लो उसी समय, और सबको बोला था 9 तारीख का ही लेना। अबे तुम अपनी उस्तादी से अगर हार जाओगे पैसा, और मेरा डिस्क्लेमर नहीं देखते हो क्या, हर वीडियो में ऑलवेज देर इज अ डिस्क्लेमर, समझे? इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ मैं, तो याद रखना तुम लोग डिजर्व नहीं करते हो। मतलब बहुत लोग इतने अच्छे भी है, ऐसा नहीं बोलो कि सारे बुरे हैं, 90% अच्छे हैं, लेकिन 10% इतने घटिया है जिसके कारण मुझे ऐसा करना पड़ेगा। और मुझे फालतू व्हाट्सअप मत करना सर प्लीज़, मेरे क्या गलती है, ये सब करना मत, तुमको भी ब्लॉक कर डालूँगा, मुझे पसंद नहीं है लाला चौपड़ी करना, ठीक है? मेरे को कोई भी व्हाट्सअप करता ना बिना बात का, फ़ोन तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, फ़ोन तो जो करता है चाहे आप प्राइम मिनिस्टर खुद भी हो ना तो उसको भी ब्लॉक कर डालता हूँ मैं, और जो आप व्हाट्सअप भी करोगे ना तो बिना बात का ही सब, मुझे ये ऑयलिंग करने के लिए फ़ोन मत करिए प्लीज़, आई डोंट वांट, मुझे तारीफ सुनने का कोई ये नहीं है। आपको लाइक देना और डिसलाइक देना ये बटन है यहाँ पे, है ना? और मैं आर्ग्यू करने के लिए यहाँ बैठा नहीं, तुम लोगों का नौकरी तो कर नहीं रहा हूँ कि दिन भर तुम लोगों का ही जवाब देते रहूँ। मार्केट तो आएगा, मैं 9000 बोला हूँ ना, 9400 आएगा 3 दिन में, देखते रह जाओगे तुम लोग, लेकिन तुम लोग ये डिजर्व नहीं करते प्रमोद जी को। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।